Example again based on switch statements. In that case, we are providing nested block or local block inside body of switch statements. This current means currently is complete session ko consider karenge as a body of switch. This one is body of switch statements. Next default ke cases mein again provide gaya default as a local block. This one is considered as local block inside body of switch statements. Is local block ke according agar baat kar rahe hain, in that case currently I ka value supply ho raha hai as a 9, value of I is 9 currently kisi bhi case se match nahi ho raha. Suppose that agar I ka value case 6 se match hota then directly chance kisko milta hai S1. This case mein agar default block ka body session या किसी भी केस का बॉडी सेशन ब्लॉक के अंदर प्रोवाइड करें, इससे कभी भी लॉजिकली कोई इफेक्ट नहीं होगा. इन दैट केस सबसे पहले मींस करंटली आई का वैल्यू किसी भी केस लेवल से मैच नहीं रहा, देन डायरेक्टली चांस किसको मिलेगा, डिफॉल्ट ब्लॉक. इन डिफॉल्ट के केसेस में आपके मींस इसको आप इंटरप्रेट करोगे लाइक दैट विदाउट कर्ली ब्रेसेस, सेम एज मीनिंग सेम एज प्रीवियस केस. मींस कर्ली ब्रेसेस आप किसी भी केस के लिए प्रोवाइड करो या नहीं प्रोवाइड करो, इस केस में लॉजिकली कोई इफेक्ट नहीं होगा. इन दैट केस डिफॉल्ट केस में इसका डिफॉल्ट के जस्ट बाद कहीं ब्रेक स्टेटमेंट फाउंड हुआ, ना ही कोई ब्लॉक, ना ही कोई एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट फाउंड हुआ है. इस केस में डायरेक्टली चांस किसको मिलेगा, डिफॉल्ट के जस्ट बाद केस 6 विदाउट मैचिंग केस 6 मींस ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट स्विच का बेसिक प्रॉपर्टी था, जैसे किसी केस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है उसके बाद रिमेनिंग केस तब तक एग्जीक्यूट होंगे या जब तक लूप स्विच का बॉडी कंप्लीटली एग्जीक्यूट ना हो जाए या फिर ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर ना हो जाए. तो इस केस में क्या, केस 6 इससे डिस्प्ले क्या हो जाएगा आउटपुट में, आउटपुट मैसेज एज प्रिंट एफ एस वन. सबसे पहले प्रिंट क्या हो, एस वन. इसके जस्ट बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, केस 3. केस 3 में अगेन एस टू, देन फाइनली ब्रेक. ब्रेक से कंट्रोल बाहर आया इसलिए, लेकिन इसका फाइनल आउटपुट क्या है, एस वन एंड एस टू.